पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का न्यू अपडेट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कब चालू होगा। बहुत भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कब चालू होगा। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे सुबह के टाइम, सुबह 7 बजे हम अपलोड करेंगे। आप लोग जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना और अच्छा खासा प्यार देना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कब चालू होगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आप लोग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का न्यू अपडेट बताने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जो कि इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस लाइन से हम चल रहे हैं इसी लाइन पर ज्वाइंट दिया गया है एक सड़क का, चूँकि डामर का काम पूरा हो चुका है उस सड़क का भी कार्य पूरा कर दिया गया है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से किस लिए जोड़ा जा रहा है ये भी आपको हम बताएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अगर आप रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इस लाइन पे हम चल रहे हैं यहाँ पर आगे ज्वाइंट मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी आपको दे दें जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडर जो है टूट गया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला था क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग को चोट लगी थी, भारी चोट लगी थी। तो यहाँ पर जो है अगर आप सड़क के रूल्स के हिसाब से चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और भारी चोट भी लग सकती है। तो ये हम निवेदन करते हैं आप लोग से, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नियम फॉलो करें और वीडियो को बने रहें। तो यहाँ पर आगे हम ज्वाइंट सड़क भी आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर देखेंगे साइड में डिवाइडर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि दोस्तों पूर्वांचल जो डिवाइडर के बीच में है यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर बीच में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए थे, तो इस समय कुछ लगा हुआ है कुछ नहीं लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उखड़ गए हैं तो अभी लग नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी जो कि पानी की वजह से, तो यहाँ पर नहीं पूरे तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ साइड में दाहिनी बाएँ साइड आप देखेंगे तो इस सड़क को इस लाइन पे जोड़ा गया है। तो इस वाले वीडियो में भी आप देखेंगे अभी यहाँ पर वाइट पट्टी येलो पट्टी कार नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ज्वाइंट किया गया है इस वाले सड़क को। देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से इस सड़क को ज्वाइंट किया गया है, जो कि हम इस सड़क पर देख सकते हैं पूरे यहाँ से शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पर येलो पट्टी का निशान नहीं दिया गया है, जो कि ये गाँव के लिए ज्वाइंट किया गया है इस सड़क को। यहाँ पर देख सकते हैं आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडर के निशान पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गाड़ी भी चलती हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से ज्वाइंट किया गया है सड़क को, तो ये गांव के लिए है और ये एक्सप्रेसवे का है जो कि यहाँ से आप आ जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से निकाला गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था इससे, गाँव के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एकजुट होकर इस पर विरोध किए थे तभी ये लाइन निकाला गया, तो इसे पूरा कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट को, यहाँ से ज्वाइन कर दिया गया है। गांव के लोग को बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा वो जाने आने में गांव के लोगों को एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से आप उतर भी जा सकते हैं, उतर के भी जा सकते हैं धनपतगंज के लिए, यहाँ पर आराम से आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट पट्टी येल्लो पट्टी कार इसीलिए नहीं हुआ था, उस साइड हम उस दूसरे वाले पटरी पर चल रहे हैं, अब इस समय हम एक्सप्रेसवे वाले पटरी पर चल रहे हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं इधर डिवाइडर का कार नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डामर का कार अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ है, जल्द ही पूरे करने का निर्देश मिला हुआ है, जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा, जो कि 2-3 दिन लग जाएगा अभी, क्योंकि दोस्तों डामर का काम बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम वो वाला वीडियो भी बना के डालेंगे अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तब भी, क्योंकि हमें भी बहुत उत्साहित है, बहुत लोग कमेंट भी किए थे पहले भी।